राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। विपक्षी दल या कई लोगों के लिए ये महज 150 दिनों की यात्रा हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये एक तपस्या है। एक ऐसी तपस्या जिससे राहुल कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ने की इस यात्रा में राहुल कई ऐसे पड़ाव से होकर गुजरे जहां उन्हें लोगों का प्यार और साथ मिला। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल ने ट्वीट भी किया। 100 दिनों के इस सफर में राहुल ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश की पैदल यात्रा की और अभी राहुल की यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। अपनी इस यात्रा में राहुल उन कई पलों के गवाह भी बने जहां कभी उन्हें लोगों की मार्मिक भावना तो कभी जान से मारने की धमकी और कई ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा जो राहुल के लिए भी बिल्कुल नई थी। इस भारी जन सैलाब में क्या नेता और क्या अभिनेता जब कदम से कदम मिलाकर यात्रा में राहुल के साथ चले तो वो पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर तक जाने वाली ये यात्रा श्रीनगर में खत्म होगी। बता दें कि राजस्थान के दौसा से आज 100वें दिन की शुरुआत हुई है। इस यात्रा से कांग्रेस की नजर राहुल पर तो है ही, इसके साथ ही राहुल उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद है जो राहुल को सत्ता में परिवर्तन करते हुए देखना चाहते हैं।